एक पत्नी के ख्वाब अ वाइफ ड्रीम कहानी की शुरुआत मनोरमा नाम की बुजुर्ग महिला से होती है जो अपने घर में साफ सफाई करती है। तभी एक उसकी सहेली आती है और कहती है, तुम्हारा बेटा तो जवान हो गया है, जल्दी से राम की शादी कर दो, तुम्हें भी इन सब कामों से मुक्ति मिलेगी। मैं एक सुंदर सुशील और समझदार लड़की अंबिका को जानती हूँ, मेरे रिश्ते में आती है, तुम कल ही चलो मेरे साथ, मैं पूरे परिवार से तुम्हें मिलाती हूँ। अगले ही दिन मनोरमा अपने बेटे के साथ लड़की के घर जाते हैं। लड़की बेहद खूबसूरत होती है, वह उससे थोड़ी देर कुछ बात करती है, तभी उसकी नज़र किताबों पर पड़ती है। मनोरमा पूछती है, ये सारी किताबें किसकी है? तभी अंबिका कहती है, ये सारी किताबें मेरी है, मुझे बड़े होकर कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे ये तो बस यूं ही कह रही है, एक बार शादी हो जाए फिर घर के सारे काम संभालेगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी मनोरमा कहती है, मुझे अपनी बहू से बात करने दो, और वह उससे पूछती है, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? तब उसके माता पिता को बड़ी चिंता होती है। उसकी माँ कहती है, मैंने तो पहले ही मना किया था कि अंबिका को इतना मत पढ़ाओ, पर तुमने ही उसे ना सिर्फ स्कूल कॉलेज बल्कि आगे की भी शिक्षा दी। अब इतने बड़े घर से आया हुआ रिश्ता देखना कैसे चुटकी में ही टूट जाता है, सब तुम्हारी गलतियों और तुम्हारी मनमानी की वजह से। लेकिन तभी अंबिका के लिए उसकी सास मनोरमा हाँ बोल देती है और उससे वादा देती है कि तुम्हें अब आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। राम और अंबिका एक नए जिंदगी में प्रवेश करते हैं। अंबिका अपने नए जीवन के लिए बहुत उत्सुक होती है। वह अपने पति राम से कहती है कि मैं कब से पढ़ सकती हूँ। तभी राम को गुस्सा आता है, वह कहता है, पहले रसोई घर में जाकर माँ का हाथ बटाओ, अब ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तुम्हें तो इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए, तुम मुझसे वादा करो कि अब इस पढ़ाई लिखाई को यहीं समाप्त करोगी। अंबिका उदास हो जाती है। तभी उसकी सास मनोरमा आती है और उसे आगे पढ़ने के लिए पूरी प्रेरणा देती है। वह उससे कहती है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी राम को तो मैं संभाल लूँगी। अगले ही दिन वह स्कूटी पर बैठ के अपनी परीक्षाओं के लिए निकलती है। तभी आसपास की सारी औरतें हंसने लगती है, ये देखो नई नवेली बहू, जहाँ इसे पूरा घर संभालना चाहिए वहाँ ये स्कूटी पे इधर उधर घूम रही है, इसकी सास ने तो इसे पूरी छूट दे रखी है। तभी राम वहाँ से गुजरता है, सब उसे कहते हैं, जिस पत्नी को अभी रसोई घर में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी चाहिए वो तो तुम्हारे पीठ पीछे ना जाने कहाँ कहाँ स्कूटी पर घूमती है। राम को ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आता है, वो तनतनाता हुआ तुरंत अपने घर में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने उसे पढ़ने की इजाज़त क्यों दी, तुम इतनी बूढ़ी हो, घर के सारे काम करती हो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। मनोरमा कहती है, मैंने अंबिका की आंखों में एक सपना देखा है, वह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है, तुम्हारे पिताजी ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तुमने भी केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी है, ऐसे में उस बच्ची के सपने को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ज़रा सोचो, तुम्हारी पत्नी ही तो इस गाँव की कलेक्टर बनेगी और गाँव की दिन दशा को बदलेगी। राम मान जाता है और उसकी पत्नी एक दिन रात को पढ़ाई कर रही होती है। तभी कुछ आस पड़ोस की औरतें आती है और कहती है, हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, तभी हम मानेंगे कि तुम अच्छी बहू हो। वह तुरंत रसोई घर में जाती है पर उसकी सास उसे मना करती है और कहती है, यदि तुम्हें कुछ खाना ही है तो मुझे बताओ, उसकी कल परीक्षाएं हैं, उसे पढ़ने दो, और अगर तुम्हें इसी तरह मेरी बहू और मेरे बेटे का उपहास करना है तो आगे से मेरे घर में कदम मत रखना। मनोरमा अंबिका की ढाल बनकर उसके पूरे पढ़ाई के दौरान उसकी सुरक्षा करती है और अंबिका भी जी लगा कर पढ़ती है। उसकी परीक्षाएं आती है तो उसकी माँ भगवान से प्रार्थना करती है और अंबिका निकल पड़ती है अपनी परीक्षाओं के लिए। वह जल्द ही पूरी परीक्षा को समाप्त करती है और कुछ ही दिनों में घोषणा आती है कि पूरे जिले में अंबिका ने टॉप किया है और अब वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जानी जाएगी। उसकी माँ बहुत खुश होती है, वह अपनी माता जी के पैरों को छूती है और अपने बेटे से कहती है, जल्दी से जाओ, जो औरतें हमारी बहू के बारे में अनाप शनाप बकती थी उनके लिए पूड़ी हलवा आलू का पराठा और खीर का इंतज़ाम करो, बड़ा सा टेंट लगवाओ। राम ऐसा ही करता है, उसमें
अंबिका के माता पिता भी उसके घर आते हैं। अंबिका की माँ कहती है, जो मैं अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाई उसके उस सपने को आपने पूरा किया, पर भला घर की जिम्मेदारियाँ अब कैसे चलेगी। तभी मनोरमा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, एक हाथ से आपकी बेटी घर चलाएगी और दूसरे हाथ से वह दफ्तर जाएगी और बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी करेगी। जल्द ही अंबिका उस जश्न में शामिल होती है और वह अपनी सास से कहती है कि केवल आपके कारण आज ये संभव हो पाया कि मैं कलेक्टर हूँ और मैंने गांव की खुशहाली, अच्छी सड़कें, पढ़ाई और बिजली के लिए अपने विभाग में बात की है। हमारे गांव में कोई भी अशिक्षित नहीं होगा, सभी छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे और हमारा गांव प्रगतिशील बनेगा। मनोरमा की आंखें खुशी से भर आती है और वह अपने बहू को गले से लगाती है और कहती है, देखा तुमने, मेरी बहू ने कलेक्टर बनके पूरे गांव की दशा ही बदल दी। उसने तुम सबके लिए अच्छे काम किए। सभी उसे धन्यवाद कहते हैं और मज़े से दावत उड़ाते हैं। उस दिन के बाद से गांव की हर बहू और बेटियों को पढ़ने का अवसर मिलता है। आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटिफुल स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।